साखियों की कैसीड है। लोवड़ जी महाराज द्रोणापुर के बीहड़ जंगल में खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी चौथी अवस्था आ चुकी है और मेरे कोई संतान नहीं है, इसलिए मेरी वृद्ध अवस्था के अंदर मेरी आज लाज आपके हाथ में है। साखी का प्रमाण है, लोवट तनी जैला जो जियो पतरा को पूरा धैनी, ए गुवारे चरावण का जो जियो गोवल चली रे में सुने, गोवल चली में सुनी जब धनी जी आयो ध्याय, भगवे भाने विष्णु आयो दर्शन दियो आय, लोवट करे छे बीनती मारी अर्ज सुनो महाराज, पुत्र दीजो देव जियो लोवट री जलाजो जियो रे पतरा को पूरा धैनी, ओ बाबा लोवट री जो जियो पतरे पतरा को पूरा धैनी, ए जी थारे सो जल मेला पूत जियो रे सुन रे लोवट सत गुरु कहवे, ए जी थर ऐसो जल मेला पोतो जियो सुन रे लोवट सत गुरु कहवे, ये योगी महायब धूत जियो रे डर पे मत आशा से, डर पे मत आशा सही न करनी ये थी बात, गोविंद गोवल चालिया जहन सा दे माय, सखिया बेटी सावा थी ने आन खड़ो अब दूत हंसा ने, सदगुरु कहे थारे ऐसो जल मेला पूत जियो सुन रे लोवत सतगुरु कहे, ए माता मन अनरायो जियो जुरवेरे कायर मोरे जू, ए माता मन अनरायो जियो रे झुरवे कायर मोरे जू, झुरवे कायर मोर जूने पुत्र बिहुनी माय, जम्मारो एड़ो गयो मैं कई कियो जुगियाय, जब दया निधे बोलिया सुन हंसा दे माय, नम्मे मैंने अवे तरूं ये जी मैं घर रे तुम्हारे आयो
जियो रे हंसा ने सतगुरु के, भाइयो समराथल अवतारो, अरे गोवल रमन तो ए कृष्ण सही किरतारो, जियो रे नंद जी रे घर ओ तो चावेड़, नंदगर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर, वाकी वेला सदा जो अवजद पर भगतों में भीड़, गज को ग्राहा घेरी ओजल डूबत सुनी पुकार, गुरुड़ छोड़ पैदल भया ए जी, गजन रे लियो रे युबारो, जियो गोवल रमन तो रे डावे, जी कुल पार तने पर काशो, जियो पीपा सर प्रगटो से, सोचक हुयो रे उदासो, जियो अरे जाने रवि जो से, जन रव्यू जो सही ने माता मन आनंद, पुत्र जन्म्यो कुमार रे घर गुण गावे गोविंद, शरण राखो श्याम जी रे हर जी हर रियास, लोट घरे बधावना हे जी, एक कुल पार तने पर काशो, पासर प्रगटो रे, लोवत की जय लाजो, जियो रे पतरा को पूरा देनिये, बोलो जम्बेश्वर भगवान की, लोवट की जय लाज, पतरा को पूरा धनी, गौ चरावण काज गोवल चाली में सुनी, जब धनी जायो ध्याय, भगवे भाने विष्णु आयो दर्शन दीनो आय, लोट करे छे भीनती मारी अर्ज सुनो महाराज, हे महाराज चौथी अवस्था आ चुकी है, वृद्ध अवस्था हो गई है और मेरे कोई संतान नहीं है, ऐसा दुख और दूसरे को किसी को मत देना, हे प्रभु मेरी आज धोलानी आप लाज रखो, क्यों के मेरे कोई संतान नहीं है। तब भगवान दोरों के बीच में उस व्यावान वंजन में लोवट जी के पास में साधु का वेश धारण करके भगवान स्वयं विष्णु आते हैं और लोवट जी को कहने लगे, क्या बात है, लोवट ने कहे थारे ऐसो जल मेला पूत तो सुन लोवट सतगुरु कहे, हे लोवट ऐसा एक महान योगी पुरुष पैदा होगा जो दुनिया के अंदर बहुत भारी चमत्कार दिखाएगा, ऐसो जल मेला पूत सुन लोवट सतगुरु कहे, जोगी मायब धूत डर पे मत आशा सही, करनी एती बात अब गोविंद गोवल चालिया, जा हंसा दे माय सखिया बैठी सामठी ने आड़ खड़ो अवधूत, हंसा ने सतगुरु केवे थारे ऐसो जन्मेला पूत तू सुन लोवट सतगुरु केवे, पुत्र का वरदान देके और गोवलवास में माता हंसा देवी के पास में भगवान छोटे बालक का रूप धारण करके और साधु के भेष में पहुंचते हैं, माता उस छोटे बच्चे को देख के और कहने लगी, रुदन करने लगी के देखो हे भगवान, एक तो किसी के देख लो जो पुत्र नहीं है, पुत्र के वियोग में बड़ी माता वो तरफ रही है, और दूसरी ओर देखो कितना सुंदर बच्चा ये जोगी हो गया जिसने घर छोड़ दिया अपने माँ बाप को छोड़ दिया, कहने लगी माता मन अनराय मोसरी जू किरतार क्यों, वली वली लागे पायरे झुरवे कायर मोर जू,
जिस प्रकार कायर मोर करुणा करे उसी प्रकार से माता अपने पुत्र के वियोग में पुत्र नहीं होने के कारण बड़ी बारी दुखी होकर के आंखों से आंसू बह रहे हैं और कह रही है, माता मन अन राय मोसिर जू करतार क्यों वली वली लागे पाय झुरुए कायर मोर जू पुत्र बिहुनी माय जमारो एलो गयो। हे भगवान, मेरा जमारा है वो कोई काम का नहीं है। जमारो एलो गयो मैं क्या कियो जुग आए जब दयानिध बोलिया सुन हंसा दे माय मैं नम्मे महीने अवतरू घरा तुम्हारे आए। वो हंसा ने सदगुरु कहे, हे माता तू रुद्र क्यों कर रही है। 1508 में पादोपदी अष्टमी के दिन मैं तेरे घर अवतार लेके तेरा दुखड़ा दूर करूंगा। और वो अवतार किसका होगा के समराथले अवतार गोवर्धन रमन तो डावड़ो कृष्ण सही कीर्तार नंद जी रे घर हो तो छावड़ो। जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जो अवतार हुआ था, भगवान कृष्ण ने उस मथुरा की केंद्रीय कारागार में जन्म लेके बड़े बड़े राक्षसों को खत्म किया, दुष्टों को मारा, धर्म का प्रचार किया, वही अवतार समराथले अवतार गोवर्धन रमन तो डावड़ो कृष्ण सही कीर्तार नंद जी रे घर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर बाकी बेला सदा जो आवे जद पड़े भक्ता में भीड़। जब जब भगवान कहते हैं भक्तों के अंदर भीड़ पड़ती है, पाप और अत्याचार बढ़ते हैं, उस समय भगवान अपना निराकार रूप छोड़ के साकार रूप धारण करके इस पृथ्वी पर बढ़ते हुए पाप को नाश करके और धर्म की स्थापना करते हैं। समराथली अवतार गोवर्धन रमन तो डावड़ो कृष्ण सही कीर्तार नंदगर हो तो छावड़ो ने डावड़ो रणधीर वहाँ की वेला सदा जो आवे जद पड़े भक्तों में भीड़। गज को ग्राह घेरियो जल डूबत सुनी पुकार गुरुड़ छोड़ पैदल भये गज ने लियो वारे वो गोवर्धन रमन तो डावड़ो। अब देखो भगवान कृष्ण का अवतार होता है जम्बेश्वर भगवान के रूप में विक्रमी संवत 1508 में भादोपदी अष्टमी के दिन कुल पुआर तने प्रकाश पीपा सर प्रगटो सही चोतक हुयो उदास जाने रवि उगो सही जाने रवि उगो सही ने माता मन आनंद पुत्र जन्मियो पुआर रे घर गुण गावे गोविंद शरण राखो श्याम जी ने हरजी हरियास लोट घरे बधावना कुल पुआर तने प्रकाश रे पीपा सर में प्रगटो सही। बोलो विष्णु भगवान की। ए जी बाबे आप लियो अवतारो जियो रे श्याम समर चल आवियो आयो छ आप अलेखो जियो भाग प्रापति पावी भाग प्रापति पावियो ने जे मन त्यागो मान एंदा जान अबुज मूर्ख किया श्याम सुजान कुल में कुल अच्छन पर हरिया शुद्ध करनी हुआ सार भगवे बाने विष्णु आयो ए गुरु जी आप लियो अवतार रे भाई श्याम समरा तले आवी ए धुरे ओलखिया आतार जियो रे परमेश्वर पूरो देणी ठग पासी गर चोरे जियो जीवर दया पाले घेणी जीव दया पाले घनी रे भाई अत जीव ने जान मेगा देगा अहेड़िया घर थी दिए जल खान बकर कसई जीवरा भाई मुखो जतागो मान मिद्यम सु उत्तम करिया मारा रे ओलख लिया रे अतारो जियो रे परमेश्वर पूरा दे परमेश्वर पुरा दानी।
जम्बेश्वर भगवान की। अब ये साखी का प्रमाण कह रहा है, बाबे आप लियो अवतार श्याम समरथ लावियो। बाबो मारवाड़ी भाषा में बूढ़े आदमी ने कहवे है, बुजुर्ग आदमी ने कहवे है, बड़ी बड़ी डाढ़ी मूछ वालो समझदार आदमी उन्हें कह करे है बाबू, बाबे आप लियो अवतार श्याम समरथ लावियो, आयो छे आप अलेख वो भाग प्राप्ति पावियो। गुरु महाराज ने अवतार लेके और धर्म का बड़ा भारी प्रचार किया। उस समय में हिंदू समाज में बहुत भारी आडंबर, पाखंड और विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की पूजा हो रही थी और उसका गुरु महाराज ने खंडन किया, विरोध किया। और उस समय में लोगों में शिक्षा का अभाव था और धर्म नीति के बारे में लोग कम समझ रहे थे। उस समय गुरु महाराज ने अवतार लेकर के और लोगों को समझाना शुरू किया। तो उस समय में देखो कैसे लोग थे, अंधा, अजान, अबूज, मूर्ख, एक दूसरे ने पहचान नहीं रिया, अबूज या कोई प्रकार वो ज्ञान नहीं हो, और लंबी लंबी जटा बदाय उड़ा, और महीने हूँ, दो महीने हूँ, चार महीने हूँ जावता, एक दिन हिनान करता नावता। तो एक समय एक बुजुर्ग आदमी खेत में हल चलावे हो और दो पेरा रो समय आयो और उन्हीं लड़की लारे दो फेरो लेर खेत पहुंची, जीते में बूढ़ियो हल खो दिया, एक पाड़े बलदिया चर रिया और एक घिणियरे बुजेरे हिराने देन हो गयो। तो लंबी लंबी जटा बजुड़ी उमे एक आन हाफ उन्हें पलट की बांट की पलट सके न केवे बार उन्हें जटा रे मायने पड़ गई। इतने में वह लड़की ले रोटी और घरे पहुंची, उन्हें पास में दादे रे और एलोकियो के दादाजी रोटी खा लो, दादो जी बैठा होया तो माथे में खाज करने लग गया है, तो बा माँ ने बा पलटकी जुड़ी, देख रू बोलियो बेटा देख जे मारे माथे में कहीं जुड़ रही हो, कहे दादा इमे तो हाफ पलट तो के वो हुड़ियो पड़ी वटी लाग, हुड़ियो लार के मारे माथे में पलट रहे मार जोर, तो उन देखियो कौन भी दादो जी पलट रहे भेड़ा मनियाड रुजैया उन होती कौन, उन्हें जोर उबका और हिड़ बजायो जो दादो पलट दोनों भेड़ी गई। तो कहते हैं ऐंदा अजान अबूज मूर्ख किया है श्याम सुजान, कुलम कुलच्छन पर हरिया शुद्ध करनी हुआ सार, पगवे बाने विष्णु आयो बाबे आप लियो अवतारे श्याम समरथल आवे। अब देखो आगे गुरु महाराज के पास में बड़े बड़े पीर पैगंबर और वो भी गुरु महाराज के पास में गए और उनको कैसा पर्चा दिया, मीर मुलक सुल्तानो जियो पीर पुरुष पाए पड़े, गुरुजी बेटा पाठक गुरु बेटा पाठक जड़ रे भाई शहीद सृजन हार, आप स्वयंभू आवियो गुरु तारण तीरण हार, सूत पुराण पुराण पर हर कर विष्णु न खान पवन सतीशु, सतीशु पाया लागे हीरे मुलक सुल्तानो जियो, ए भाई रे पीर पुरुष पाए पड़े, ए गुरुजी पीर पुरुष रे प्यारे पड़े। जम्बेश्वर भगवान की। मीर मुल्क सुल्तान पीर पुरुष पाया पड़े, पापा हुए भगान गुरु भेटा पातक जड़े। गुरु महाराज ने बड़े बड़े राजाओं को, बादशाहों को और उनके पास में जितने भी महापुरुष आए थे उनको भी अपने योग साधना के द्वारा गुरु महाराज ने ज्ञान दे करके उनका संशय दूर किया। दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी एक समय गुरु महाराज के पास में अपना संशय मिटाने के लिए, अपना भ्रम दूर करने के लिए दिल्ली से हाथी के ओहदे पर सेना सहित समराथल धोरे पर पहुंचे। समराथल धोरे के नीचे एक बहुत बड़ा तंबू लगा करके उसमें हाथी बांध के और वो गुरु महाराज के पास में पहुंचे। जाकर कहने लगे महाराज आप कोई सिद्ध पुरुष हैं या परमात्मा है,
तो बताइए मेरे तंबू के अंदर क्या है। गुरु महाराज ने मन में विचार किया कि भाई चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है, कुछ चमत्कार दिखाएंगे जब ही लोग अपन को मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि भाई तंबू के बीच में एक छोटा गाडरिया भेड़िया बैठा है, लड़िया। बादशाह बहुत खुश हुआ, बोले ये तो महाराज कोई तुरत पूरी है, होली की झाड़ू जो अब होड़ा, अरे कोई आज काल रही होड़ा, ने कहीं था मुक्ति री बात रो लैंड देन रो। बोले महाराज आप चलिए मेरे साथ में और देखिए कि मेरे तंबू में क्या है। बोले महाराज मेरे चलने की जरूरत नहीं है, आप जाइए मेरे दो चेले आप साथ ले जाओ और ये जो बात कहेंगे वो मेरे को मंजूर है। गुरु महाराज के साथ में जो भगत लोग बैठे थे उनमें से दो गुरु महाराज के शिष्य बादशाह के साथ में रवाना हुए। सम्रातल धोरे के नीचे जहाँ पर वो तंबू लगा था उसमें वो जाकर देखते हैं कि वास्तव में एक लड़िया बैठा है, मैं कर रहा है। ओहो, गुरु महाराज के पास में आकर के वो बड़ा भारी अपने शीश को निभाया है, अपने नतमस्तक होके कहने लगा महाराज मेरे को ये मालूम नहीं था कि आप महापुरुष हैं और मेरा आप संशय है वो दूर हो गया। तब कहते भाई मीर मुल्क सुल्तान पीर पुरुष पाया पड़े, पापा हुए भगान गुरु भेटिया पातक झड़े, गुरु भेटिया पातक झड़े न सहीज सृजन हार, आप स्वयं भू आवियो गुरु तारण तिरण हार। वो परिपूर्ण परमात्मा स्वयं भू किसको कहते हैं, जो स्वयं सिद्ध है, जिसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो परिपूर्ण परमात्मा ओम विष्णु सम्राट धोरे पर विराजमान है। जो अपने जीवन का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो गुरु महाराज ने जो बाणियां बताई है उन पर विश्वास करें और वो अपने जीवन में लागू करें। अब आगे साखी का प्रमाण दिया है। अरे भाइयो राह के आया राह हो जियो रे गुरु फरमाई से करे, राह आया राह जियो रे गुरु फरमाई रे से करे। बोले बचन विचारो जियो मुखसुर बाणी रे ओ तेरे, मुखसुर बाणी ओ तेरे ने बोले बचन विचार, फूल पीतल झालरा रे नील त्यागी नार, कली काल संभाल सदगुरु। भाइयो रे गुरु जी ए गुरु फरमाई रे से कह रे। बोलो विष्णु भगवान की। अब कहते हैं राह आया राह गुरु फरमाई से करे, बोले वचन विचार वो मुखसुर बाणी ओचरे, मुखसुर बाणी ओचरे ने बोले वचन विचार, फूल पीतल झालरार नील त्यागी ना। गुरु महाराज का समय में अवतार उस समय पाखंड अपनी चरम सीमा पर था, लोग विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मेले देवताओं की पूजा कर रहे थे और उन्हें युक्ति और मुक्ति की बात का कोई ज्ञान नहीं था। भोपे जी माता बड़ो भारी विश्वास हो, आजकल जितना भी भोपा दिख रहा है नी, बहके वे आकाश बांधू पाताल बांधू धरती बांधू और दो हाथ की झोंपड़ी भी बांधी जाये कौन माता हिणिया दे जाये कौन ही मरे सोमाशरी टेम में कब बीजे, पर वो धरती बांध रही हो देखो आसमान में बांध रही हो है और दो आदरी झोपड़ी उन बंद नहीं रही है। तो भाइयों ये बड़ा भारी पाखंड और आडंबर है, गुरु महाराज ने इनका खंडन किया है। इसलिए भाई भोपांग के बारे में मायने विचार आवे, जब भोपांग गुरु महाराज ने पांच नंबर का शब्द बजाया है अय्या लो अपरम्पर वाणी में जपा ने जाया जी हूँ, ये जपे इनके सेवा करना इनकी पूजा करना, इनसे भाई जुक्ति और मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि ये खुद है इनकी अधोगति हो गई है,
ये इनकी मर्त आत्मा संसार में भटक रही है, क्योंकि इन्होंने सुकृत काम नहीं किया, इसलिए भोली भाली जनता को अपने सिकंजे में पजा करके और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। भाइयों इनके पास में कुछ ही नहीं है, इसलिए कहते हैं राहक आया रा गुरु फरमाई से करे बोले वचन विचार मुख सुरबाणी ओचरे, मुख सुरबाणी ओचरे ने बोले वचन विचार फूल पीतल झालरार नील त्यागी नार। विभिन्न प्रकार के गले रे माई ने कह रहे तो भैरू जी रोता थियो, कह रहे भूमि जी रोता थियो, कह रहे बाप जी रोता थियो, कह ने उजली बाईरा मेली बाईरा एडा कई प्रकार गले रे माई ने ताथिया डालुड़ा अरे वारी बाई सेवा करता। अरे तुम डरो क्यों भाई, आपा तो हा लेवा नहीं, आपा जाने होरो जबरो आवे भी उदड़ो ही जावे। अरे उदड़ो नहीं आवे, बड़ो बारी गिनती रो है। अरे इन्हें कोई दुनिया में कोई कम कर सके या कोई ज्यादा कर सके, ये कोई नहीं कर सकता भाइयों। ये परमात्मा की देन है, जिसने भगवान ने ये शरीर दिया है उसका ज्ञान उसी परिपूर्ण परमात्मा को है, न तो इसको कोई बढ़ा सकता है और न घटा सकता है। इसलिए भाई डरना व्यर्थ है। इसलिए आगे कवि ने अपनी साखी के अंदर लिखा है अरे हरी आवागमन निवार, अरे बाबा इन प्राण सुमत थालियो, हरी आवागमन निवार, अरे मने इन ताने सुमत तालियो, अरे अबली जोई अपनाए, अरे मारी छाप रे छाप रे पुरबली थे पालियो। सब बुरबली पालियो जम्ब गुरु जगन्नाथ, पांच हाथ नव कोटि बारा दिया सतगुरु साथ, एत की दे दर्श दीजे पार घरे पोता दास के सो आस थारी, अरे मारी आवागमन निवार, ए जी बाबा ए इनरे तनु मत ताली। बोलो जम्बेश्वर भगवान की आवागमन निवार, बाबा इन टाणे सुमत टालियो। टाणा कहते हैं अवसर को, के भाई ये मिनक जमारो बार बार नहीं मिले ला, भगवान की बड़ी बारी कृपा हुई है पूर्व जन्म। जे जीवड़े रो भले पण चावो सेवा रे विष्णुरी करियो जीवने, जे जीवड़े रो भले पण चावो सेवा रे विष्णुरी करियो जीवने, आई तारण हार थैला सिर आयो जे कोई किरे है सो त्रियो जीवन, जे जीवड़े रो भल पण चावो तो सेवा रे विष्णुरी करियो जीवन,
देखा देई पड़े रे पुराणी बड़े नहीं ला दे लापुरी ओ जीवन मिन का देई पड़े रे पुराणी बड़े नहीं ला दे लो पुरी ओ जीवन हारण हार थला सिरे आयो जे कोई तिरे है सो तिरी ओ जीवन अड़सठ तीरथ एक सुझागत घर आये न आदरियो जीवन अड़सठ तीरथ एक सुझागत घर आये न आदरियो जीवन अरे भयो रावण सुरंग करके राजिंदर अस्ति करेगा डरियो जीवन आवा सुरंग करके राजिंदर अस्ति करेगा डरियो जीवन अरे रीता चाले चले रे रितावे सुमंद करे थी लरियो जीवन रीता चाले चले रे रितावे अरे भाई समन करे थी लरियो जीवन चन पालक की ओर कथेरो खड़े नारेली गिरियो जीवन कंचन पालक की ओर कथेरो खड़े नारेली गिरियो जीवन सावसरे उजाड़े शहर करे दोय करियो जीवन उजड़वा सावसरे उजाड़े शहर करे दोय घरियो जीवन अरे पानी सू घिरत कुरी से कुरड़ा सो गीत बादरियो जीवन पानी सू घिरत ए कुरी से कुरड़ा सो गीत बादरियो जीवन अड़सठ तीरथ एक सुभागत घर आये न आदरियो जीवन अड़सठ तीरथ एक सुभागत घर आये न आदरियो जीवन अरे भाई जे जीवन रो भलापन चाहो शिवरे विष्णुरी करियो जीवन जे जीवन रो भलापन चाहो शिवरे विष्णु जी करियो जीवन बोलो जम्बेश्वर भगवान की ये गुरु महाराज की अजूरी साखी है तारण हार थला सिरायो जे कोई तिरे सो तिरियो जीवने जे जीवड़ा को भलपन चाहो तो भाई सेवा विष्णु की करियो जीवने भाई इन जीव रो भलो चाहने वाला दो ही है समाज में एक तो परिपूर्ण परमात्मा जके आपने मिनक जमारो देर इन संसार में भेजा है दूसरे जीव का भला चाहने वाला माता और पिता है माँ बाप से बढ़कर संसार में कोई देवता नहीं है मातृदेवो भव पितृदेवो भव भाई माता पिता ही
इंसान रा देवता है और उन्हें पूजा करनी चाहिए। गांव में कोई महात्मा जी आया एक समय और बोला भाई माँ बाप री सेवा करी जो और लुगाया जीती भी आने उपदेश दियो के थारा माँ बाप तो पीर मेरे जावे इन वास्ते थे अपने ससुर और ससुरे री सेवा कर दी। तो एक बाप री बोलकी बा हाथ जोड़ खड़ी हुई बोलियो बाप जी मारे हासू जी है कौन इन वास्ते मैं सेवा की नहीं करूं। कह तू यू कर थारे सासू नहीं है गे हाँ बाप जी नहीं तो तू हासू री मूर्ति बना ले और मूर्ति में हमेशा आड़े में धर परी और उन्हें सुबह शाम अगरबत्ती कर दे जो थारे भगवान लीला लेर कर दे। वाह भोलकी देखियो बात ठीक है उन देखियो माटी री जे हऊ बनाऊ तो रोजी ने टूट जाई कह टाबर टूबर चुटी पटक दे भाग जाई इन वास्ते एक पीतल रो बगोलो पड़ो हो उन्हों बनाए पड़ी और उन्हें आपरी हऊ बना ली और आड़े में धर परी और उन्हें सेवा चाकरी पूजा अर्चना चालू कर दी। उन्हों घरों धनी कोई बारे गिड़ो दो तीन महीने घर आयो तो भाई चीज बुस्तरी घर में जरूरत ही पड़ जावे और उन्हें पूछो ये आपर वो पीतला बगोली कटे के उन्हीं तो के मैं हऊ करा ली और उन्हें देखियो बगोले मारी माँ बना दी तू पस दोनों साथ में लड़ाई हुई आधी रात समय उन घरों बाहर निकाल बा हऊ लीवड़ी इनके जापरी हटो उन्हें बोल की देखो रे महात्मा जी मारे में जबरी करी महात्मा जी कहो गए हऊ री सेवा कर जो थारे लीला लहर हो जाए मारे तो उल्टो घर छोड़ा दियो अब रात भर कटी काटू और सुबह मैं कोई अच्छे आदमी ने बात बताऊं को बाप जी मारे आई तकलीफ कर दी महाराज कहो गए हऊ री सेवा कर जो और मैं करी मारे आगड़ बढ़ूंगी इन वास्ते बाप रे हऊ ने ले परी और गांव रे बिचारे एक बहुत मोटो बड़लो उन बड़ले माते बैठ गई रात भर वो देखियो नीचे कोई कुत्ता है मिन्ना है खा जाओ कर जावे आप ऊपर सेफ्टी रही। अच्छा उठे कहीं हुयो तीन चोर आज माल ले और आया जो छिया में आने बैठा अंधेरे मायने भी कोई देख नहीं ले बे आपने माल धर दिया और बैठा उठे में ऊपर बैठी बा हऊ ले उड़ी बा बहू नी उन्हें हाथ में नींद रे झोंके में हऊ छूट छूटी के ऊपर धम करती रही हटी पड़ी उन माया रे कोथली रे माथे जाव चोरे देखियो ऊपर भूत है जो आज है बा माया उठी छोड़ी बे उन धकेर वो उन धके बा भोलकी आपरी हऊ ने ले जाऊ वास्ते नीचे उतरी के हऊ बाबा माया री पोट बांधी उन्हें माथे अदरे एकड़ी हुड़ी पड़ी उन अटी उठी देखियो हाथ न टोल हो मामलो तो दूजो है वा पोट की कर भेड़ी हऊ ने भेड़ी बांध और आधी रात रे समय वापस घर पहुंची जार बाणो खटखटायो रे के भाई बाणो खोल बोले पाची मरगी के पाची कहीं आई तू मारी हऊ रा खटका दे उन आडो खोलियो ले जार चांदनो कर दे के तो मायने होना ने चांदी ने कई कड़ियान कई तेगड़ान कई मुर्कियान बीटियान क्योंकि मैं चोर कटन चोरी करन लेन आया और उन्हें हाथे पड़ गई। अबे आप देखो उन कह जो कह जे मती किने के मैं तो कह क्यों नहीं थे मत कह जो कने अब कने भाई पैसा आवे लेन देन वेदन रहन सहन में फर्क पड़ी जे बड़ो भारी ए हिरोंडा गाड़ियां दूजा नटी उठी दिन पहाड़े में कड़को रहे वो देख बोलियो वो तो रोजी ने इकांद्रो कर दो हो आ माया आई कि थू जार लुगाई वे बा लुगाई ने बात बता दे वास्ते पूछा माया कटवाई वा जार बैठी बोले भाई मारे तो मैं हौरी सेवा करी जे कहूं घर मायो भरी दी तो वा देखकर बोली के मैं ही मारी हौरी सेवा करूं तो मारे काई था मारे भी यहां घर भरी जावे वा हमेशा काई करती बेलनू सेवा किया करती उन दिन उन बेलन छोड़ दी उन सही आप सही हिसाब आप हौरी सेवा शुरू कर दी। हाथ दिन बीत्या और वा देख हऊ ने बोली हऊ जी क्या आलो बढ़ ले चढ़ो आए मैं अशी भर रही हूँ मैं बढ़ ले चढ़ू जना गड़बड़ू जाई बोलो की कर मारे हऊ यहाँ बढ़ ले चढ़ी दू माए घर भरी दियो अरे तू मने घर मत छोड़ा ना माए घर छोड़ियो तो थारो लिख तरह घर भरी जाई अरे तू मारो कहो मान ले अब देखो साहब मायर वशी बू तू जबरदस्ती ले जा आधी टेक राड़ी गाल पड़ी छूटी बीच में जो पड़ते हिट बाज गयो तो भाई एक तो माया रे वशी भूत होकर के सेवा करे देखा देखी हाद जो मरे नहीं तो आवे रोग तो भाई कोई समस्या हो जाए इन वास्ते माँ बाप की सेवा करनी वे तो भाई बिना आप कर्तव्य समझ करना चाहिए। बोलो ओम विष्णु भगवान की। अब आगे साखीरा प्रमाण है क्या कहते हैं अरे पाता करोड़ा गुरु प्रहलादो अरे भाई करनी रे सीधो तिरियो जीवन अरे भाई पाते छोड़े गुरु पहला दो करनी रे सीधो तिरियो जीवन
हरिचंद्र आवे तारा दे रानी। अरे भाई सत से कारज सरियो जीवने, अरे काशी नगरी में करण कमायो सागर पानी भरियो जीवने। काशी रे नगरी में करण कमायो सागर पानी रे भरियो जीवने। पांचू पांडु कुटा दे माता अजर गहने रो भयो धरियो जीवने। अरे पांचू पांडु कुटा दे माता अजर गहने रो धरियो जीवने। सत के कारण छोड़ी अतना पूरे जाय हिमालय गलियो जीवने। अरे कलजुग में दो ये बड़े राजिंदर गोपी चंद बर तरियो जीवने। भाई कलजुग में दो ये बड़ा राजिंदर गोपी चंद बर तरियो जीवने। ओ तारण हार तलाशी रे आयो भाई रे जे कोई तिरे हसो तिरियो जीवने। बोलो विष्णु भगवान की। अब कहते हैं भाई पांचे कोड़े गुरु परला दो करनी सी दो त्रियो जी। बावन गजरियो नी आन जम्बू माये फिरे ती। बावन गजरियो नी आन जम्बू माया फिरती। गजारे शेर गड़ कोठत जागज गेवर से तजदिया भोग विलास एक दी अंते वर रानी रे। अरे इतनी रे मेली मेर ये दिन युदावे प्राणी जीवत मुआ खाक हुआ गुरुवचने जर नाजरी। अरे अमर हुआ संसार गोपी चंदन भरतरी आए आ। बोलो विष्णु भगवान की। कहते हैं बावन गज की नीम आन जम्बू में फिरती। राजा भरतरी ने कणी रामायण को पाठ नहीं सुनायो हो कण गीता को ज्ञान नहीं दियो। राजा भरतरी उत्तराखंड में एक हिरण का शिकार कर लिया उस तपोभूमि के बीच में जहाँ गोरखनाथ जी अपनी भक्ति कर रहे थे और उनकी शरद में जाकर के एक हिरण को खत्म कर दिया। राजा भरतरी को गोरखनाथ जी बोले रे दुष्ट शैतान
तो इंसान नहीं हैवान है तो शैतान है। क्या तेरा बाग उजाड़ दिया इसने, क्या तेरा खेत और खलियान बिगाड़ दिया इसने, इस भोले वाले जीव को तूने क्यों मार डाला रे, अरे दुष्ट तेरो सत्यानाश जावे तेरो, बापड़े ने क्यों मारियो रे तू। बोले महाराज मैं राजा, राजा जोगी अंगन जल आरी उल्टी रीत, के डरता रह जो फरस राम जी ये थोड़ी पाले है प्रीत, महाराज वो टोपो नीचे गिरतो दिखे मने आपरो, किनु बात कर रिया हूँ मैं राजा भर्तरी हूँ। बोले तेरे में राजा भर्तरी का लक्षण नहीं है। बोले मैं राजा हूँ, मेरा अधिकार का उपयोग कर लिया और तूने परमात्मा के लिए घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और तू जोगी जात पर दबा है, तू कलंक है। जोगी हो के जिसको जोग की जुगत याद नहीं है, जोगी की क्रिया याद नहीं है, जिसके पास में योग साधना नहीं है, वो जोगी जात पर दबा है, वो कलंक है। तेरे जैसे संतों को देख करके लोग असली संत पर भी विश्वास नहीं करेंगे। आज काल मावेदन बढ़िया रहे भगवो भेख है, भगवे भगवे ने बांधे ने नमस्कार है, तो भगवो ऊंट की कौन ही ऊंट ही भगवो ही नहीं, अरे फैक्ट्री जगह पूरी भगवे में बरूड़ी ने दिया सुर्ग में जावती गए तो, अरे भगवे को आदेश नहीं, आदेश होना चाहिए भक्ति को, आदेश होना चाहिए ज्ञान को। गोरखनाथ जी ने मन में विचार किया, बोले मैंने मेरे अधिकार का उपयोग किया और तू अगर इस मृगे को जिंदा कर देगा हे महाराज, तो मैं उजिन शहर का राज त्याग के और तेरा शिष्य बन जाऊंगा। गोरखनाथ जी ने उसी समय अपने कमंडल से जड़ लिया और मृगे पर छींटा दिया, मृगा जिंदा होकर के और जंगल की ओर रवाना हो गया। उसी समय राजा भर्तरी ने अपना राजशाही वस्त्र उतार के महाराज के चरणों में अर्पण करते हुए कहा कि 52 गज की नींव आन जम्बू में फिरती, तजा शहर गढ़ कोट तजा गज गेवर हस्ती। उसी समय राजा भर्तरी ने अपना राजशाही वस्त्र है उतार दिया है और गोरखनाथ का शिष्य बन गया। 52 गज की नींव आन जम्बू में फिरती, तजा शहर गढ़ कोट तजा गज गेवर हस्ती, तजिया भोग विलास सदी अंतेवर रानी, इतनी मेली मेरे रे धिन उदावे प्राणी। जीवत मुआ खाक हुआ गुरु वचने जरना जरी, के अमर हुआ संसार में राजा गोपी चंद ने भर्तरी। एक शब्द इंसान ने ज्ञान हुए भाइयों, शास्त्रों का प्रमाण है के शब्दों में आरा मर गया, शब्दा छोड़ो राज, जिन जिन शब्द विचारिया भाई उन रो शरियो काज। एक शब्द रे पीछे इंसान मर जावे और खूब मरे भी है। शब्द हमारा मर गया और एक शब्द को राजा भर्तरी ने राज छोड़ दिया। शब्दा छोड़ो राज के जिन जिन शब्द विचारिया, जके आदमी शब्द माते विचार कियो है उन रो शरियो का, यानी वो संसार में हमेशा के लिए अमर हो गया है। इन वास्ते आगे साखी के अंदर प्रमाण कहवे, अरे कले जुग दो ये बड़े राजिंदर गोपी चंद भरथरियो जीवन, अरे भाइयो कलयुग में दो ये बड़े राजिंदर गोपी चंद भरथरियो जीवन, गुरु वचने जो गूठो लीनो, अरे सुको जामन मरियो जीवन भाई, गुरु वचने जो गूठो लीनो सुको जामन मरियो जीवन, भगवी टोपी भगवा खंता घर घर भीक्षण फ्रियो जीवन, अरे भाई रे भगवी टोपी रे भगवा खंता घर घर भीक्षण फ्रियो जीवन, ठांडी रे खपरी ले निशरियो धोले उजीणी नगरियो जीवन, अरे खांडी खपरी ले निशरियो धोले उजीणी नगरियो जीवन,
तारण हार थला सिर आयो जो गुरु के वह सो करियो जीवन तारण हार थला सिर आयो जो गुरु के वह सो करियो जीवन अरे जे जीवड़े रो जे जे जीवड़े रो भले पण चावो तो सेवा विष्णु जीरी करियो जीवन जे कोई तिरे हसो तिरियो जीवन जे जीवन रो भले पण चावो सेवा विष्णु री करियो जीवन बोलो विष्णु भगवान की अब कहते कलयुग दो बड़े राजेंद्र गोपी चंद भरतरियो जीवन गुरु वचने जोगू टोली नो चूको जामन मरियो जीवन भगवी टोपी भगवा कंथा उसी समय राजा भरतरी ने भगवान वस्त्र धारण कर लिया भगवी टोपी पहन ली गले में माला पहन ली और गोरखनाथ जी का शिष्य बन करके भगवी टोपी भगवान कंथा घर घर भिक्षा ने फिरियो जीवन देखो भाइयों एक समय वही था जब कहते हैं साखी के अंदर प्रमाण दिया है रावा सुरंग रंग के राजेंद्र अगर भगवान री कृपा हो जावे तो गरीब आदमी राजा बन जावे और भगवान री अगर ऐसी मेहरबानी हो जावे तो वो राजा है जो जोगी बन जावे और गरीब बन जावे आप परमात्मा री देन है भगवी टोपी भगवान कंथा घर घर भिक्षा ने फिरियो जीवने खांडी खपरी ले निशरियो धोल उजीनी नगरियो जीवने खांडी खपरी हाथ में लेकर के उजिनी शहर को त्याग करके घर घर अलख जगाना शुरू कर दिया भगवी टोपी समराथल आयो वही राजा भरतरी अब गुरु महाराज के पास में समराथल धोरे पर पहुंचता है जो गुरु कहवे सो करियो जीवने गुरु महाराज कहते हैं भाई हमेशा ये उपदेश दिया अपने शिष्यों को के गुरु करे जो कदे नहीं करनो गुरु कहवे जो करनो गुरु अच्छी बात रो उपदेश देवे उन्हें धारण करनो कई लोग बागी नो अर्थ योगे गुरु महाराज रे भगवान पैर उड़ा तीखी टोपी तो आजकल कई लोग तीखी टोपी रख कर भगवान पैर हरू कर दिया अरे वो तो परिपूर्ण परमात्मा थे उनके साथ में सामर्थ्य थी थे तीखी टोपी लगा क्यों बेरूपिया बनिया हो थारे कने वह सीधी नहीं है वह सामर्थ्य नहीं है इन वास्ते महात्मा कहवे है के भाई वो राजा भरतरी थे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया संसार के बीच में इसलिए वो दुनिया में अमर है इसलिए एक भजन में कवि लिखता है अरे भूप भयो रे बैरागी रे भरतरी भूप रे भयो बैरागी रे अरे भूप भयो रे बैरागी ए भरतरी रे ए भूप रे भयो रे बैरागी रे ए तनडो त्यागी अरे मनड़ो बैरागी रे प्रीति साहब सुलागी अरे तनड़ो त्यागी भाई अरे मनड़ो बैरागी रे प्रीति साहब सुलागी रे मन को पकड़
कबज कर ली ना रे मनड़े न पकड़े कबज कर ली ना। अरे चांद सूरजी दो ये सागी रे भरत रे अरे भूपरे भयो रे बेरागियो आगे रे पीछे आती रे चलता तुरिया अठारे लख त्यागी अरे आगे रे पीछे आती रे चलता भाइयो तुरिया अठारे लख त्यागी मन को झूठी रे जाने पिंगला न त्यागी रे झूठी जाने पिंगला न त्यागी फेर पीत नहीं लागी रे भरतरी रे ए भूपरे भयो बैरागी रे